रामायण काल का पात्र जामुन जो उस समय बूढ़े हो गए थे, पर क्या आपको पता है कि वो जवानी में कितने बलशाली थे। जामुन रामायण के एक ऐसे पात्र है जिनके विषय में बहुत विस्तार में नहीं लिखा है। हालांकि रामायण में ही उनके विषय में केवल एक दो चीजें ऐसी बताई गई है कि जिनसे आप उनके बल के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पहली बात तो जामुन सतयुग के व्यक्ति थे। सतयुग में योद्धा अन्य युगों के योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली होते थे। उनकी उत्पत्ति सीधे ब्रह्मा जी से बताई गई है। अब परम पिता ब्रह्मा से जो जन्मा हो उसकी शक्ति के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। जब सीता माता को खोजने के लिए समुद्र लांघने की बात चल रही थी उस समय जामुन कहते हैं कि मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी इस समुद्र को मैं 90 योजन तक जा सकता हूँ। हनुमान जी अपनी युवावस्था में 100 योजन छलांग गए। जामुन जी की आयु उस समय 6 मनवंतर की बताई गई है। एक मनवंतर 30,67,20,000 वर्षों का होता है, फिर भी वो 90 योजन तक जाने की क्षमता रखते थे। इसी से उनके बल का पता चलता है। इस वार्तालाप के दौरान उन्होंने युवावस्था में अपने बल के बारे में 2 बातें बताई है। इससे आपको जामुन जी की वास्तविक शक्ति का पता चलेगा। पहली घटना तब की है जब समुद्र मंथन चल रहा था, जिसे देवता और दैत्य मिलकर बड़ी मुश्किल से कर पा रहे थे। उस समय जामुन जी ने अपनी जवानी के जोश में एक बार अकेले ही संपूर्ण मंदारचल पर्वत को घुमा दिया था। मंदारचल पर्वत को अकेले घुमाने के लिए कितनी शक्ति चाहिए होगी क्या आपको अंदाजा है। दूसरी घटना भगवान विष्णु के वामन अवतार की है। जब श्रीहरि ने विराट स्वरूप लिया और एक पैर से स्वर्ग को नाप लिया, फिर जब उन्होंने अपना पैर पृथ्वी को नापने के लिए उठाया, उस दौरान जामुन ने केवल 7 पल में ही पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली थी। जरा सोचिए, महावीर हनुमान एक ही रात में लंका से सैकड़ों योजन दूर से पर्वत शिखर उखाड़ कर ले आए, लेकिन जामुन जी ने केवल 7 पल में ही पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली थी। एक पल लगभग 24 सेकंड का होता है। क्या आप उनकी गति का अनुमान लगा सकते हैं? उस उनके बल का ऐसा वर्णन सुनकर जब अंगद ने उनसे पूछा कि उनका बल क्षीण कैसे हुआ, तब ये बताते हैं कि जब वे पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे तो अंतिम परिक्रमा के समय उनके पैर के अंगूठे का नाखून महामेरु पर्वत से छू गया, जिससे शिखर खंडित हो गया। इसे अपना अपमान मानते हुए मेरु पर्वत ने जामुन जी को श्राप दे दिया कि वो सदा के लिए बूढ़ा हो जाएगा और उसका बल भी क्षीण हो जाएगा। क्या आप इनके बारे में जानते थे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।